हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। ये जो आप कार देखने वाले हैं भाई, ये रहने वाली है हमारी क्रेटा का बेस वेरिएंट, जिसमें 1 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल करी है। तो बेस टू टॉप तो एक्जैक्टली नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन इसमें इंस्टॉल हुई है। क्या कुछ इंस्टॉलेशन हुआ वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आते हैं फ्रंट साइड पे। तो यहां पे हम लोगों ने ओरिजिनल DRL इंस्टॉल करी है अपनी Hyundai की, जिसके अंदर आप लोगों को फ्रेम एंड अडैप्टर दोनों चीजें इंस्टॉल कर देते हैं हम लोग। उसके बाद ग्लॉस ब्लैक ग्रिल हम लोगों ने इंस्टॉल करी है पूरी की पूरी, हाइड्रो डिप पेंट करके रेडी करा है पियानो के अंदर। साइड प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पे हेडलाइट के अंदर लो बीम में 200 वॉट LED, हाई बीम में 200 वॉट LED विद 2 ईयर वारंटी। इसमें हमारे पास 180 वॉट, 200, 240, 300 वॉट सारे मिलते हैं और अवेलेबल है 2 साल की वारंटी के साथ। साइड प्रोफाइल में आते हैं, मड फ्लैप आप लगा सकते हैं, अलॉय व्हील लगा सकते हैं, साइड वेंट लगा सकते हैं, बाकी इधर इंडिकेटर्स के साथ हम लोगों ने इसमें जो फंडा है वो आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो है कंपनी से इंस्टॉल करा के आए हैं, ठीक है, पेडल लैंप वर्किंग है, इंडिकेटर भी वर्किंग है, फोल्डिंग भी वर्किंग है, मतलब फिटमेंट ठीक है। कंपनी से इंस्टॉल करा के आए थे, लेकिन इन्होंने करा क्या वो दिखा देता हूँ कंपनी वालों ने। ये Hyundai का जेन्युइन पैनल, ये आप देख सकते हैं विद Hyundai लोगो, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, ये अपना Hyundai लोगो आ जाता है और Hyundai जेन्युइन पैनल, जिसमें आप लोगों को स्विच की कटिंग मिल जाती है। यहाँ पे आप लोगों को कटिंग एक बार चेकआउट करा देता हूँ। ये अपनी स्विच की पूरी टॉप वेरियंट का पैनल है, ग्लॉस ब्लैक में रेडी कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी फिनिशिंग मिल जाती है, देखो कंपनी में क्या हो रखा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंपनी में इसको बिल्कुल पास से देखेंगे, ये देखें तो ये किस तरीके की ओवर कटिंग है। वैसे हाथ की कटिंग भी हो जाती है, लेकिन इतनी ओवर नहीं करने की जरूरत पड़ती, पर इन्होंने जो करा तो ये चीज़ है। पर ये पैनल मैंने भैया को दिखाया था चेंज करने के लिए, बट उन्होंने भी नहीं कराया चेंज। अंदर की साइड अभी चलेंगे दोबारा, अभी चलते हैं आगे। ब्लैक कलर की रूफ रेल्स इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर, डोर वाइजर, लोअर गार्निश एंड साइड बिल्डिंग इंस्टॉल नहीं करा है। छोटा मोटा काम है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 1 लाख में रेडी करी है गाड़ी हमने। बैक साइड पे आते हैं तो रिफ्लेक्टर लाइट नहीं लगाई, शार्क फिन एंटीना ओरिजिनल लगाया स्क्रू वाला, ये देख लो, ये ओरिजिनल चाहिए था इनको, ओरिजिनल लगा दिया हम लोगों ने। ग्लॉस ब्लैक आता है अब EX वेरिएंट से, तो वो हमने इंस्टॉल करा है। अंदर आते हैं तो पार्सल ट्रे ओरिजिनल Hyundai की, उसी के साथ बूट लाइट ओरिजिनल Hyundai की, ये साइड बॉक्स इनके कंपनी से आए हुए थे पड़े हुए, ठीक है। स्टीयरिंग क्रूज बाकी सब हमने लगाया, आपको दिखा दूंगा। इधर आते हैं तो यहाँ पे अपना ग्लो पंक 4.4 DH कैमरा मूविंग HD इंस्टॉल कर दिया हम लोगों ने। लेके चलता हूँ आपको अंदर, पूरी जो स्पेसिफिकेशन है वायरिंग एंड डिटेल्स अंदर देता हूँ। सो अंदर आ गए, नीचे से स्टार्ट करेंगे। फ्लोरिंग आप करा सकते हैं नीचे, फ्लोरिंग इसमें नहीं हुई है फिलहाल। 70 मैट्स इंस्टॉल करें हम लोगों ने, प्रीमियम क्वालिटी के, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। इधर भी देख सकते हैं, इधर आप लोगों को ड्राइवर वाले पार्ट पे एरिया मिल जाएगा, अपना पैर रखने वाला एरिया आ जाता है पूरा रबड़ का, क्योंकि यहाँ यूसेज ज्यादा है तो ग्रास खराब ना हो, तो रबड़ का पैड आ जाता है इसके अंदर। नीचे फिलहाल इतना ही था, चलता हूँ आप लोगों को स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। कटिंग मैंने आपको दिखा दी, ओरिजिनल पैनल दिखा दिया। फ्रंट में डैशबोर्ड में क्या कुछ इंस्टॉल हुआ है, सबसे पहले हेड यूनिट इंस्टॉल हुआ है, साथ में स्टेयरिंग क्रूज इंस्टॉल हुआ है हमारा, और हम लोगों ने इसके अंदर स्टेयरिंग रैप इंस्टॉल करा है। अब इन्होंने सिंगल कलर में स्टेयरिंग रैप कराया तो आपको शायद पता भी नहीं चल रहा होगा, हो रखा है, लेकिन हमारी फिनिशिंग से आप पहचान जाएंगे कि हमने इंस्टॉल करा है। जिगजैग फिटमेंट देख सकते हैं पूरी की पूरी, तो हमारी फिटमेंट पूरी OEM होती है, देख के पता ही नहीं चलता कि क्या है, तो बिल्कुल ओरिजिनल वाली लुक है। क्रूज अपना वर्किंग रहने वाला है, 30 की लिमिट के ऊपर आप चला सकते हैं क्रूज कंट्रोल, ठीक है। अभी मीट नहीं कर रही, लॉन्ग प्रेस में आप लोगों को दिखा देता हूँ, 30 लिमिट 30 आ गई, ठीक है। लॉन्ग प्रेस पे आप चेक कर सकते हैं एक्टिवेटेड है, बाकी एक बार दबाऊंगा तो कंडीशन नॉट मेट, वही 30 की कंडीशन मांग रहा है। अब ये भी अपना पूरा वर्किंग है, स्टीयरिंग कंट्रोल ओरिजिनल Hyundai पार्ट भैया के सामने ओके करके हमने यहाँ पे दे दिया है। हेड यूनिट की बात करते हैं, हाइपरसोनिक 464 GB ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ विद DSP सपोर्ट आप लोगों को मिलने वाला है, प्ले स्टोर का सपोर्ट आप लोगों को इसमें भी मिलेगा, फुल्ली एंड्रॉइड मिलने वाला है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात है QLED स्क्रीन है, बेनिफिट आप लोगों को इसमें यही मिलता है कि इसकी वीडियो क्लैरिटी एक नंबर आने वाली है। कॉपीराइट ना है तो भाई वॉल्यूम बंद कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर जो वीडियो क्लैरिटी है ना, मेन जो है जो चीज़ है वो सारी भाई वीडियो के ऊपर आके रुकती है,
आवाज बंद कर दूं, ठीक है। वीडियो क्लैरिटी एक नंबर आने वाली है, ब्राइटनेस एडजस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा करके दिखा रहा हूँ आपको, और वीडियो क्वालिटी चेकआउट करें कैसे आ रही है, ये देखें। क्योंकि QLED स्क्रीन है तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की आप लोगों को कुछ भी आप देख रहे हो, मूवी, सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग, एनीथिंग, तो एक फील एंड टच आप लोगों को मिलेगा। क्वालिटी काफी बढ़िया आ जाती है इसकी, पिक्चर एंड पिक्चर में भी वर्किंग रहेगी। डायरेक्टली कुछ चलाना चाहते हैं ऊपर से, यहाँ से वाईफाई कनेक्ट करके, वाईफाई कनेक्ट करके चला सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग डायरेक्टली अपना कुछ भी एक्सेस कर पाओगे। डिज्नी प्लस हो गया, ये सब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, डायरेक्ट चला सकते हो। एप्पल कारप्ले चलाना है, एप्पल कारप्ले आप ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली इसके अंदर एप्पल कारप्ले भी मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो भी मिल जाएगा, DSP की सारी सेटिंग आप लोगों को इसके अंदर ही मिल जाती है। बैक कैमरे की क्लैरिटी दिखाता हूँ, जो मैंने आपको 4.4 अभी चेकआउट कराया, तो इसके अंदर ये देखें भाई, पूरी कितनी वाइड रेंज दिख रही है, पूरा नंबर प्लेट भी देख सकते हैं भाई ये यहाँ से, ठीक है। ये देखो यहाँ से पूरा का पूरा, पूरा एज इट इज पूरा आप देख सकते हैं, बंदे बैठे हुए हैं, ये पूरा कितनी क्लैरिटी से आप लोगों को दिख रही है चीजें, तो ये सारी है, इसलिए बढ़िया लगता है मेरे को ये। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, ट्विटर सैश जो है हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल करा है। कॉम्पोनेंट्स इनके पास पहले से थे, तो उसके अंदर हम लोगों ने उन्हीं के कॉम्पोनेंट इंस्टॉल कर दिए। इनके पास मॉरल के थे डायरेक्ट फिट, तो वो हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। मॉरल का डायरेक्ट फिट आपको हमारे पास भी अवेलेबल मिल जाएगा, बट इनके पास ऑलरेडी था तो हमने वही लगा दिया। इनके पास थी एक गाड़ी पहले, पीछे उसके कोएक्सल लगा दिए, सीट कवर पन्नी वापस चढ़ा दिए, तो इतना जस्टिफाई नहीं करेगी, लेकिन आप मेरी अदर क्रेटा की वीडियो देख लेना, वही वाले 20mm फोमिंग वाले, ओरिजिनल डिजाइन, सेंटर परफोरेटेड, 5 बॉक्स, ऊपर सिंगल पाइपिंग और नीचे कोई पाइपिंग नहीं आती सिटिंग एरिया में, तो वो पूरा का पूरा आपको पता ही है, ओरिजिनल डिजाइन है। बैक में ऊपर ग्रे आता है, तो वो सेम टू सेम डिजाइन ओरिजिनल जो बनाते हैं वही है। डबल लेयर डैम्पिंग कर रखी है इसके अंदर हम लोगों ने, इनर हैंडल सिल्वर कर रखे हैं इसके हम लोगों ने, और बाकी ऑप्शंस और रहते हैं, बाकी सनग्लास होल्डर है ऊपर की साइड पे ओरिजिनल। ऑप्शंस और आप लोगों को बता देता हूँ, कैबिन लाइट वाइट करा सकते हो, सेंटर स्पीकर लगा सकते हो, एम्पलीफायर बूफर लगा सकते हैं अंदर की साइड पे। इंटीरियर में सॉफ्ट टच जैसे इसमें इंस्टॉल करा है, दोनों तरीके के हम करते हैं, डुअल थ्रेड है, सिंगल थ्रेड बोलोगे वो भी हो जाएगा, तो सॉफ्ट टच पूरा रेडी करा है। तो ये तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना काम आप लोग करा सकते हैं। होपफुली वीडियो देख के मजा आया, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।